हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिक्शनरीज के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे जिसमें कि हम डाटा को एक्सेस करते थे उसके इंडेक्स नंबर से, लेकिन डिक्शनरीज में एक होती है की और एक होती है उसकी वैल्यू। तो मीन्स अगर हम वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम की नेम को यूज करते हैं। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करती है। उसके लिए सपोज मैं एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मीन्स मैं अपने एग्जाम्पल ले लेता हूँ और अपने डाटा को मैं कैसे एक्सेस करूंगा डिक्शनरीज में। तो मैं यहाँ पे जैसे स्टूडेंट वन लिख लेता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे हम डिक्शनरी बनाएंगे। उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दो चीजें आएंगी, सबसे पहले होगा की, सपोज मैं नेम, उसके बाद आएगा कॉलन। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो होगी की की वैल्यू, मीन्स ये हो गया की, उसके बाद कॉलन। एक स्ट्रिंग वैल्यू थी इसलिए हमने यहाँ पे इसको डबल कोट्स में लिखा और यहाँ पे लिख दिया ऋषभ। तरह से कोमा, अगर हम सेकंड की बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच, यहाँ पे फिर से कॉलन और यहाँ पे मैं अपनी एच 27 लिखूंगा। मीन्स इस तरह से डिक्शनरीज वर्क करती हैं। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट वन लिखता हूँ। आप देखेंगे ये नेम हो गया की, एज भी हो गया की, और ये हो गए वैल्यूज उसकी, ऋषभ 27। सपोज मैं अगर चेक करना चाहता हूँ स्टूडेंट का नाम क्या है, तो मैं सीधे लिखूंगा स्टूडेंट वन और यहाँ पे हम की लिखेंगे नेम। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा ऋषभ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एज लिखूंगा तो आ जाएगा 27। तो ये तो हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली। सपोज अगर मैं किसी डाटा को अपडेट करना चाहता हूँ, इसमें मेरी एज आज 27 है, नेक्स्ट ईयर 28 हो जाएगी, तो अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ मैं सिंपली क्या करूंगा, स्टूडेंट वन एज। फ्रेंड ये केस सेंसिटिव होता है, अगर आपने ए कैपिटल में लिखा है तो आपको ये कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे इक्वल टू 28। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ स्टूडेंट वन, तो आप देखेंगे अब एज आएगी नेम ऋषभ एज 28। तो मीन्स इस तरह से हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो हमने अभी दो एलिमेंट्स मीन्स दो कीज और दो वैल्यूज बनाई थी इसमें। सपोज अगर हम उसमें कुछ और डाटा ऐड करना चाहते हैं, मैं अपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन भी ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट वन और यहाँ पे हम की लिखेंगे जो हम की बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कॉलेज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिंदू कॉलेज, मैं हिंदू कॉलेज अमृतसर से पढ़ा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा हिंदू कॉलेज। तो मैं जब स्टूडेंट वन को एक्सेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे नेम ऋषभ एज 28 कॉलेज हिंदू कॉलेज। तो फ्रेंड्स ये तो हमने एक एलिमेंट को मीन्स एक की और वैल्यू को ऐड किया था। अगर हम किसी की या मीन्स अगर हम किसी की को डिलीट करना चाहते हैं, हम सिंपली लिखेंगे del स्पेस और उसके बाद स्टूडेंट वन, और जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हो, अगर नेम को एज को या कॉलेज को, मैं कॉलेज को ही डिलीट कर देता हूँ, कॉलेज एंटर। अब मैं जब देखूंगा स्टूडेंट वन तो आप देखेंगे खाली नेम और एज ये दो ही रह जाएंगे, कॉलेज वाला डिलीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप इस डिक्शनरी को क्लियर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं कम्प्लीटली, वो इसी वीडियो में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। तो उसके लिए आप लिखेंगे len ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर आप डिक्शनरी का नाम लिखेंगे स्टूडेंट वन। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे टू, मीन्स टू की है, मीन्स दो एलिमेंट्स है इसमें, ये एक एलिमेंट हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। इस तरह से अगर आप इसकी टाइप चेक करना चाहते हैं, ये तो हम कह रहे हैं डिक्शनरी डाटा टाइप है, लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली लिखेंगे टाइप और यहाँ पे इसी तरह से डिक्शनरी वेरिएबल का नाम, और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे क्लास DHCT, मीन्स ये डिक्शनरी टाइप है इसकी। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तो कीज भी हैं और वैल्यूज भी हैं। सपोज हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं हमारी जो डिक्शनरी हमने क्रिएट की है उसमें कौन कौन सी कीज हैं, तो उसको चेक करने के हम क्या करेंगे, स्टूडेंट वन डॉट कीज फंक्शन लगाएंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे को कीज शो कर देगा, इसमें नेम और एज नाम की हमने दो कीज बनाई हुई है। इसी तरह से अगर आप वैल्यूज को चेक करना चाहते हो, आप देखेंगे स्टूडेंट वन डॉट वैल्यूज एंटर, आप देखेंगे ये खाली वैल्यूज शो करेगा। इस
इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सपोज अगर आप किसी डिक्शनरी को किसी में ऐड करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे मैं किसी को टास्क देता हूँ कि आप एक स्टूडेंट के नेम और एज पूछिए और दूसरे को टास्क दे देता हूँ आप उसका ईमेल और कॉलेज पूछिए, मींस एक बंदा स्टूडेंट वन नाम की डिक्शनरी बनाएगा और एक बंदा स्टूडेंट टू नाम की डिक्शनरी बनाएगा और बाद में हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और डिक्शनरी बनाते हैं, स्टूडेंट वन नाम की ऑलरेडी है हमारे पास, मैं स्टूडेंट टू नाम की एक डिक्शनरी बनाता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ कॉलेज कॉलन, और यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ हिंदू कॉलेज और कॉमा, और इसके बाद हम एक और ईमेल बना लेते हैं, आप कुछ भी डाटा बना सकते हैं यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ websoftutorials@gmail.com। तो अब हमारे पास दो डिक्शनरीज आ गई, अब हम क्या करेंगे इन दोनों डिक्शनरीज को, मीन्स इस डिक्शनरी में इस डिक्शनरी का डाटा को ऐड कर देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे स्टूडेंट वन डॉट अपडेट ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के हम दूसरी डिक्शनरी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब जब मैं स्टूडेंट वन लिखूंगा तो आप देखेंगे इसमें वो डाटा भी आ जाएगा नेम, मीन्स ये इसको अपडेट करके सेकेंड डिक्शनरी है उसका डाटा भी इसमें ऐड कर देगा। आप ये देखेंगे नेम ईमेल एज कॉलेज, मींस इस तरह से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इन वैल्यूज को मींस इस डिक्शनरी को क्लियर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे स्टूडेंट वन डॉट क्लियर, और अब हम स्टूडेंट वन लिखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कोई भी डाटा नहीं रहेगा, मींस इसको हमने क्लियर किया है, इसको डिलीट नहीं किया मींस। तो अगर आप इसको कंप्लीटली डिलीट भी करना चाहते हैं हम लिखेंगे del student1, अब इस नाम की कोई भी डिक्शनरी नहीं है, अगर हम student1 लिखेंगे तो आप देखेंगे ये एरर रिटर्न करेगा student1 is not defined, means student1 नाम की डिक्शनरी कोई नहीं है क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स ये था डिक्शनरीज के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोज के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलते रहे, और नेक्स्ट वीडियो में हम टपल्स के बारे में बात करेंगे।